दोस्तों, आज के वीडियो में हम बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बॉयलर की एफिशिएंसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, क्यू इंटू एच माइनस एच इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्यू इंटू जीसीबी। दोस्तों, हमें अगर बॉयलर की एफिशिएंसी निकालना है तो हमें ये जो पांच पॉइंट है इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में अगर हमें जानकारी रहेगी तो ही हम बॉयलर का एफिशिएंसी अच्छे से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इसके ऊपर हम इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक है क्यू, स्टीम जनरेटेड पर आवर्स, इसका यूनिट है केजी पर आवर्स, यानी हमारा बॉयलर एक घंटे में कितना स्टीम जनरेट कर रहा है। नंबर टू है एच, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि सैचुरेटेड स्टीम कितना एनर्जी यूज करता है कर रहा है। नंबर तीन एच, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर, इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। जीसीवी, क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। नंबर पांच है क्यू, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल पर आवर्स, इसका यूनिट है केजी पर आवर्स, यानी कि हमारा बॉयलर एक घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। अभी इसमें हम ये वैल्यूज फिल कर देंगे, जैसे कि क्यू 9 टन पर आवर्स, यानी कि हमारा बॉयलर एक घंटे में 9 टन स्टीम जनरेट कर रहा है। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 9000 केजी पर आवर्स में आ जाएगा। एच, एच बोले तो एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, इसका वैल्यू हमने लिया है 665। एच, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर, इसका वैल्यू हमने लिया है 85। दोस्तों, ये दोनों वैल्यू आपको सैचुरेटेड स्टीम चार्ट में अगर आप इंटरनेट से सर्च करोगे तो ये वैल्यू आपको उस चार्ट में मिल जाएगी और ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी। अगर आपका बॉयलर का स्टीम सुपर हीटेड है तो उस तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उसके लिए अलग वैल्यूज रहेगी। क्यू 2 टन पर आवर्स, यानी कि हमारा बॉयलर एक घंटे में 2 टन फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2000 केजी पर आवर्स में आ जाएगा। जीसीवी, अगर हमारा फ्यूल राइस हस्क है तो उसका जीसीवी 3200 है। दोस्तों, अभी ये जो वैल्यूज है हमारी, ये हम इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे। 9000 इंटू 665 माइनस 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 3200 इज इक्वल टू 81.5% एफिशिएंसी। मतलब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, 81.5% आपका बॉयलर का एफिशिएंसी हो गया। अभी दोस्तों, हम स्टीम टू फ्यूल रेशियो निकालेंगे। जैसे हमारा एक घंटे में हमारा बॉयलर 9000 केजी स्टीम जनरेट कर रहा है और ये 9000 केजी स्टीम जनरेट करने के लिए फ्यूल कितना कंज्यूम कर रहा है वो एक घंटे में 2000 केजी। अभी 9000 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 4.5, यानी कि एक केजी फ्यूल में हम 4.5 केजी स्टीम जनरेट कर रहे हैं। अभी इसका हम स्टीम कॉस्ट निकालेंगे। दोस्तों, 1 केजी हस्क का प्राइस है 5 रुपीज, यानी कि हम 5 रुपीज में 4.5 केजी स्टीम जनरेट कर रहे हैं। अभी 1 केजी स्टीम का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हमें 4.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.9 पैसा ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी कि हम 1 केजी स्टीम बनाने के लिए हमें 90 पैसा खर्चा आता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मेरे इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।